फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की वजह से माहौल गर्म है। चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच एक महिला उम्मीदवार को उसके प्रोफेशन के लिए निशाना बनाया जा रहा है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला उम्मीदवार अर्चना गौतम की बिकनी में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉलीवुड की बिकनी गर्ल अर्चना गौतम को छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने नवंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी, जिसके बाद से ही अर्चना गौतम कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार में जुट गई। तो वहीं अब अर्चना विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने अर्चना गौतम का विरोध भी किया है। प्राचीन पवित्र शहर से कांग्रेस उम्मीदवार ने हिंदुओं और जैनियों की भावनाओं को आहत किया है। महाभारत युग से ही हस्तिनापुर, जो एक जैन तीर्थस्थल भी है, हिंदुओं सहित विभिन्न धर्मों के अनुयायियों द्वारा पूजनीय है। कांग्रेस ने यहां से एक बिकनी मॉडल को मैदान में उतारा है। हम इसका विरोध करते हैं और पार्टी से अपील करते हैं कि उसका नाम वापस ले लें। हालांकि अर्चना गौतम ने इसका जवाब भी दिया है। अर्चना गौतम ने कहा है कि प्रोफेशन और राजनीतिक करियर को मिलाकर ना देखें। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, पहली बात तो देखिए, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और ये मेरी लाइक राजनीति लाइफ है। तो क्या है कि कुछ लोग हैं जो देखिए दोनों को एक कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ, वो मेरा काम था, वो मेरा प्रोफेशनल था कि मैं एक्टिंग कर रही थी और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो कोई भी, अगर हम पहले पीछे की चीजें पे जाएं, प्रियंका चोपड़ा जी ने भी बिकनी पहनी थी, उन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से मैंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि दोनों को, दोनों कामों को मेरे अलग अलग रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। देखिए, मैं मिस यूपी रही हूँ 2014 की, और मैं मिस बिकनी इंडिया 2018 में रही हूँ, और मिस कॉस्मो वर्ल्ड 2018 में रही हूँ, जो कि मैंने मलेशिया में जीता था। वहां से 30 कंटेस्टेंट आए थे, यानी 30 कंट्री से लड़की आई थी, जिसमें से इंडिया से सिंगल लड़की मैं गई थी और मैं विजय होके आई थी। मैं ये नहीं बोल सकती कि देखिए ना, हरनाज संधु जी ने भी बिकनी पहनी थी और वो भी मिस यूनिवर्स बनी थी, क्योंकि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो, जब हम इंडिया से बाहर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो उनका जो पोशाक होता है वो वही पोशाक होता है, वो पहनना कंपलसरी होता है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मेरी दो लाइफ है, एक राजनीति लाइफ है, एक मेरी इंडस्ट्री लाइफ है, दोनों को आप ना जोड़े तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए जी। बात अगर अर्चना गौतम की जाए, तो बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम मूल रूप से यूपी के मेरठ की रहने वाली है। अर्चना का जन्म 1 सितंबर 1995 को मेरठ में हुआ था। अर्चना गौतम फिलहाल 27 साल की हैं। अर्चना गौतम ने गंगानगर स्थित IIMT से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया। वर्ष 2014 में अर्चना गौतम ने मिस उत्तर प्रदेश का खिताब जीता था। मॉडलिंग और एक्टिंग करियर को पूरा करने के लिए अर्चना मुंबई में रही। अर्चना ने 2015 में बॉलीवुड के फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती में अभिनय से अपनी करियर की शुरुआत की। उसके बाद 2018 में अर्चना गौतम ने मिस बिकनी इंडिया, मिस कुमो इंडिया, मिस टैलेंट प्रतियोगिताओं को अपने नाम किया। अर्चना गौतम ने हसीना पारकर और बरोटा कंपनी जैसे फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं। अर्चना जंक्शन वाराणसी में भी छोटे और दमदार रोल के लिए सुर्खियां बटोर चुकी हैं। बता दें कि बीते 13 जनवरी को कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले सीट जारी की थी, जिसमें हस्तिनापुर सीट से अर्चना गौतम को टिकट दिया गया। उसके बाद अर्चना की बिकनी वाली फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।